मिस यूनानी जी। फ्रेंड्स, मेरी नानी जी 8 मई 2023 को रात में ख़त्म हो गई। रात में फ़ोन आया कि मम्मी का कि बेटा नानी नहीं रही। मुझे मतलब एक पल के लिए लगा ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, बट क्या कहते हैं, नहीं फ़ोन आया। फिर मैं तो बहुत परेशान हो गई, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ। फिर क्या कहते हैं, रात हो गई थी। फिर हम लोग सुबह जल्दी निकल गए, अपनी वहाँ पहुँच गए। बहुत याद आ रही है उनकी। उनकी हमेशा से एक शिकायत थी कि तुम आती नहीं हो मेरे पास, रुकती नहीं हो, तुम आती नहीं हो मेरे पास, रुकती नहीं हो। बट मैं जब भी जाती थी मम्मी के पास तो उनसे मिलने ज़रूर जाती थी, चाहे 2 घंटे 4 घंटे जितने देर के लिए जाती थी। बट उनका मन नहीं भरता था, उनको लगता था कि मेरे पास रुको 2 4 दिन। और मैं जब छोटी थी तभी से उनके पास हूँ। मैं 1.5 साल की थी तभी से मैं अपनी नानी के पास थी, और मैं 14 15 साल की हो गई थी तभी तब तक उनके पास थी। तो उनको मुझसे काफ़ी लगाव है, मुझे भी उनसे काफ़ी लगाव है। ऐसा लगता है कि नहीं, झूठ है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी वो हैं। आप हमेशा याद आओगे, मिस यू। मैं एक बार बहुत छोटी थी, 4 5 साल की थी, तो कभी वो मुझे छोड़ के नहीं जाती थी। बट क्या कहते हैं, कुछ अब उनके मायके में कुछ था, तो एक दिन के लिए चली गई थी। मैं स्कूल गई थी क्योंकि मेरे सामने तो वो कहीं जा नहीं सकती थी, तो मैं स्कूल गई थी, तो चली गई। फिर मैं बहुत मतलब जब तक वो आएंगे तब तक रोती रही रोती रही। मतलब वो शाम में गई, सुबह जब तक आ नहीं गई तब तक मेरा रोना बंद नहीं हुआ। क्यों मुझे छोड़ के चले गए, क्यों, कब आएंगी कब आएंगी। हमेशा छोटी छोटी चीजें, ये वो, मतलब बहुत। खैर, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था बहुत टाइम पहले, बट ठीक हो गई थी फिर। लेकिन हमेशा याद रहेंगे, हम लोगों के दिल में हमेशा रहेंगे। नाना जी भी बहुत क्लोज थे, नानी भी बहुत क्लोज थी, दोनों लोग चले गए। बस जहाँ भी रहें खुश रहें।